Hello everyone, welcome back to another episode of Poetry, and today we are here to celebrate Independence Day and cherish our freedom. So as we all know that literature and writers have amplified the freedom struggle and made easy for us to get the freedom. So we have now to celebrate the freedom, Aryansh. Hello Aryansh, thank you for joining us. Thank you so much, ma'am. And we have Kainath. Hi Kainath. Hello ma'am. And Saklan. Thank you so much, ma'am, for inviting me. तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है राइटर्स का इस पूरी फ्रीडम स्ट्रगल में. आप लोग भी इस चीज़ से इत्तेफाक रखेंगे कि जो एक रिबेलियस चीज़ होती है वो राइटर लाता है. जब आप एक सॉर्ड नहीं उठाते हो वो काम एक कहते हैं कलम कर देता है, ठीक है, पेन. हाँ, तो इसीलिए मुझे लगता है पेन्स ऑफ फ्रीडम्स लाइक पेन इज़ अ रियली गेम चेंजर एंड इट ब्रिंग्स चेंज इन द सोसाइटी. सो वेन एवर देयर इज़ एनी यू नो हिकअप एंड एनी थिंग विच इज़ रॉन्ग, pen has always brought that change. So Awaaz the Voice is celebrating that change particularly, and you are the young writers, future of India. So we welcome you here. Thank you so much. हाँ, तो सबसे पहले जानते हैं आर्यांश से कि आर्यांश आप क्या करते हैं अपनी जाती जिंदगी में. मैं as of this moment मैंने SOL में DU SOL में क्या BCom कर रहा हूँ, एंड अदर देन दैट मेरा पूरा ध्यान पिछले 3-4 सालों से परफॉर्मिंग पोइट्री पर है, लिटरेचर की तरफ जितनी कोशिश कर पा रहा हूँ अग्रसर करने की मैं इस पर ध्यान दे रहा हूँ. वंडरफुल. एंड आपने लिखना जैसे कब से शुरू किया या व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट? मेरे को लिखते हुए मैम 8 साल हो गए, पिछले 8 सालों से मैं लिख रहा हूँ. और मेरे को जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है वो एक अंदर से किक है कि मैं कुछ ऐसा लिखूँ जो और लोग ना लिखें, जो औरों से अलग हो या जो लिखा जा चुका है उससे अलग हो, तो ये काफ़ी मेरे को अच्छा लगता है. उसके अलावा कुछ मोमेंट्स रहे थे इंस्पिरेशन मेरे राहत इंदौरी साहब रहे हैं जो काफ़ी शायरों के रहे हैं मैं मानता हूँ. उसके अलावा He was also a very rebellious shayar. No doubt. उनकी काफ़ी कविताएं हैं जो आज भी इंडिपेंडेंस डे और ऐसे मुद्दों पे पढ़ी जाती हैं, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर रहा हूँ और पिछले 8 सालों से लिख रहा हूँ. कोशिश करता हूँ अपनी कलम से वो चीज़ें लिखूँ जो और लोग नहीं लिख रहे हैं, या कुछ ऐसी भावनाएं या कुछ ऐसी चीज़ें जो और लोग शायद हिचकते हैं बोलने में या करने में. राइट. सो कायनात आप क्या करते हो? मैम मैं बीएड कर रही हूँ, मेरी टीचिंग लाइन है, और मैंने लिखना स्टार्ट किया अपने कॉलेज टाइम से, आई थिंक 2018 से. पहले मैं सिर्फ पढ़ती थी, पढ़ना अच्छा लगता था, लिखने का कभी नहीं सोचा था. बस अचानक से थॉट आया दिमाग में कि लिख कर देखते हैं, और मैंने लिखा और वो बहुत अच्छा लिख गया. जब मेरे प्रोफेसर्स ने देखा तो मुझे मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि मैं माइक पर बोलूँ. फिर लोगों का अप्रिसिएशन मिला, तो जब अप्रिसिएशन मिलता है तो मोटिवेशन होती है. फिर मैंने कहीं ना कहीं ये होता है कि जब आप ज़्यादा पढ़ते हो उसी का आउटकम ही होता है लिखना. पढ़ना सिर्फ मुझे लगता है किताबों को पढ़ना नहीं होता, आप ना इंसान एवरीथिंग लाइक ऑब्जर्वेशन होती है आपकी. आप सड़क पे जा रहे हो, आपको एक पत्ता दिख रहा है हिलते हुए पेड़ का, आप उस पर लिख देते हो, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, और उससे शायद लिखना आता है. और अब हमारे साथ बहुत ही छोटे नन्हे कलाकार मौजूद हैं सकलैन, तो उनसे जानेंगे कि उन्हें क्या इंस्पिरेशन रही है लिखने की. तो जैसा कि हमारे दौर में आजकल चल रहा है, जो शायर कभी कभी शायर लोग लिखना लिखने की इंस्पिरेशन होती है लोगों के हार्ट ब्रेक्स, लोगों का दिल टूटता है, तो जी तो आप जैसे एज के साथ गैस कर सकते हैं कि इतनी एज में दिल लगता नहीं है टूटने की, तो बात बहुत दूर की. तो इंस्पिरेशन है हमारे जो बड़े भाई हैं वो इन चीज़ों में क्लासिक शायरों को सुनते हैं, राइट, तो उन्हीं से मैंने कुछ दाग साहब के कुछ शेर और जॉन साहब के कुछ शेर सुने, तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि हाँ हम भी क्या लिख सकते हैं ऐसी चीज़ें, क्या हम भी ऑब्जर्व करके ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं, वहीं से इंस्पिरेशन. जैसे अब आप लोग देख रहे होंगे इन्फ्लुएंसर वर्ड कभी कभी बहुत गलत तरीके से भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए हैं तो लोग अक्सर मजाक बना देते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर नहीं हैं या इन्फ्लुएंसर. लेकिन अगर हम देखें तो एक राइटर, एक टीचर, एक डॉक्टर, इनसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कौन रहा है? आप कोई भी इकोनॉमी या कोई भी एक कंट्री की बात करते हो तो कंट्री इन्हीं लोगों से मिलके बनती है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट अप फ्यू राइटर्स राइट नाउ, बिकॉज वी डू बिलीव दैट एनी कंट्री इज़ मेड अप ऑफ ऑल द पीपल. इसी से इकोनॉमी भी डेवलप होती है और इसी से हमारी कंट्री भी आगे चलती है. तो आर्यांश से मैं जानूंगी कि आपका बेसिक रंग क्या रहता है, टॉपिक क्या रहता है लिखने का. जैसे आपने बोला आप रिबेलियस हो. मैम मेरा जो बेसिक टॉपिक रहता है इन जनरल, मैं किसी थीम को हटा के कहूँ
किसी भी चीज़ पे कुछ ऐसा लिखना जो या तो पहले लिखा ना गया हो या सामने वाला उम्मीद ना कर ले। जैसे कि हम जब पढ़ते हैं, आप जानते होंगे, हम जब ओपन में से किसी भी ऐसी जगह पढ़ते हैं तो सामने वाला उम्मीद कर लेता है कि अब ये इस पे पढ़ने वाला है, इसका अगला सानी, इसका अगला शेर, इसका मकता इस ऐसी चीज़ पर होगा। तो जब मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि सामने वाले की उम्मीद से कुछ अलग करके दिखाऊँ, कोई ऐसा जाविया रखूँ चीज़ों का जिसकी सामने वाले को उम्मीद ना हो, ताकि इससे अच्छी बात ये होती है कि मेरा मानना है कि अगर मैं जो लिख रहा हूँ, मैं अपने आप, मेरे को एक टाइटल, अपने आप को एक टाइटल से कह रहा हूँ कि मैं एक राइटर हूँ, मैं शायर अभी खुद को नहीं कहता, मैं कोशिशों में हूँ, और अगर मैं राइटर हूँ तो ये टाइटल अगर मैं ले रहा हूँ खुद पर, तो मेरी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं वो लिखूँ जो सामने वाला सोचे और अमेज हो, यही नहीं जो सामने वाले को पता हो कि वो होने वाला है। मैंने इस पर यही लिखा हुआ था कि मैं वो नहीं लिखूँगा जो तुम सुनना चाहते हो, मैं वो नहीं लिखूँगा जो तुम सुनना चाहते हो, मैं वो लिखूँगा जो तुम बोल नहीं पाओगे। तो इस तरफ हमेशा मेरा ध्यान रहता है कि एक थीम से परे किसी भी चीज़ पे कुछ ऐसा लिखा। आज मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी, अभी मैंने स्टोरी पे भी शेयर की थी जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, कि आर्ट हैज़ टू बी ए पॉलिटिकल, आर्टिस्ट कैन नॉट टेक एनी साइड, आर्टिस्ट कैन नॉट बी रिलीजियस, आर्टिस्ट हैव टू बी, यू नो, आर्टिस्ट शुड बी ए पॉलिटिकल, दे शुड बी वेरी मच, यू नो, सेकुलर, बिकॉज दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्ट। जब आपने कहा ना जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी आर्टिस्ट से ज़्यादा आई थिंक किसी की नहीं है, बिकॉज एक आर्ट फॉर्म ऐसी चीज़ है जो हमें बाइंड करती है, एंड वी लिव इन अ ब्यूटिफुल कंट्री वेयर डाइवर्सिटी इज़ देयर, सो दैट कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ यूनाइटेड विद आर्ट ओनली। सो दिस इज़ वॉट आई बिलीव। एंड कायनात, वॉट डू यू राइट जनरली? इन जनरल मैं रियलिटी लिखती हूँ, प्यार मोहब्बत पे ठीक है लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत लगता है कि जब मैं अपने माशरे की चीज़ें, हकीकत चीज़ें हकीकी तौर पे अपने शब्दों में लिखती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बात होती है और हम वो बात नहीं कह पाते हैं, राइट, और मोस्टली ऐसा होता है कि हम और ज़्यादातर ये होता है कि जब जो चीज़ बोलनी होती है वो चीज़ उस वक्त, तो उसके बाद हम वो चीज़ लिखते हैं, उस रियलिटी पे लिखता मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो वेमेन के इशूज़ हों, चाहे वो सोशल इशूज़ हों, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीरी हो, तो इन सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा लिखती हूँ। और तो जैसे उन्होंने बोला कि जो चीज़ें आप नहीं कह सकते हो, तो अगर मैं अभी आप लोगों को बैक स्टेज बता रही थी, नागार्जुन एक राइटर रहे हैं और उन्होंने नेहरू के सामने कुछ ऐसी चीज़ें अपनी पोइट्री के थ्रू उठाई जो कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कि वो चीज़ें आप जनरली ऐसे जाके नहीं बोल सकते हो, ठीक है, किसी से। और पहले लोग इतने टॉलरेंट थे कि वो वेलकमिंग थे, कि अगर एक आर्टिस्ट है, अगर एक आर्टिस्ट ये बात कह रहा है तो वो सुनते थे और वो समझते थे कि हाँ इसका क्या पर्पज़ है, तो वो दोनों तरफ से चलती थी ये बात। तो शी इज़ वेरी राइट कि पोएट्री मेक्स एवरीथिंग सिंपल, बहुत मुश्किल बात को बहुत कम शब्दों में और बहुत आसानी से आप कह सकते हो। हाँ, तो आप सकलेन से जानते हैं कि सकलेन ने बताया कि वो हार्ट ब्रेक पे नहीं लिखते हैं, तो किस चीज़ पे लिखते हैं फिर? जी ऐसा नहीं, शायरी तो हार्ट ब्रेक के बिना मेरे ख्याल से मुकम्मल ही नहीं है, थोड़ा बहुत भाग हर किसी शायर का मोहब्बत में ज़रूर रहा है, लेकिन फिर भी उसके अलावा मैं कुछ ऐसे मौजुओं पे लिखता हूँ जो समाज की सच्चाइयाँ हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे मेरा एक शेर है कि जिनके घरों के हालात अच्छे नहीं होते, ऐसे घर के बच्चे नहीं होते, क्या कहना है, तेरी खामियां ही लगाएंगी तेरे मुस्तकबिल में सितारे, हाँ में हाँ मिलाने वाले भी अक्सर सच्चे नहीं होते, बहुत अच्छे, क्या कहना, सीमेंट सरिया ठीक मगर खुशियों की तू नींव लगा, घर फकत ईंटों से पक्के और कच्चे नहीं, क्या कहना। ऐसी शायरियां जो थोड़ा समाज से रिलेटेड हूँ, ऐसे मतलब इन्हीं चीज़ों पर लिखना भी बेहतर भी है उम्र के हिसाब से, हार्ट ब्रेक पे लिखेंगे तो नहीं, आप अपनी उम्र के हिसाब से बहुत डीप लिख रहे हैं, बहुत। तो जैसे अब छोटी छोटी इंस्पिरेशन की बात मैं आपको बताऊं कि मैं एक बार ऐसी जा रही थी रोड से, तो मैंने देखा कि बहुत ही सुकून से एक आदमी स्ट्रीट पे सो रहे हैं, और वो आपने मच्छरदानी देखी होगी जो एक नॉर्मल वाली होती है वो लगी हुई थी, तो उस पर मुझे ऐसे ख्याल आया कि यूँ तो रिहाइश के लिए मकान होता है, लेकिन जिनका घर नहीं होता आसमान होता है, होता है। तो हमें घरों में नहीं आती है नींद, हमें ज़रा से पैसे इधर के उधर हो जाए, हमारी मतलब स्ट्रगल्स ही अलग हैं, हमें ये रहता है हमें ये चीज़ नहीं है वो नहीं है, जैसे अभी हम आईफोन डिस्कस कर रहे थे, लेकिन फिर वो लोग हैं जो बिल्कुल बेसिक, और वो भी हमारा ही हिस्सा है, हमारा ही समाज है, हमारा ही देश है, तो अगर हम उनसे पूछें आज़ादी का मतलब क्या है, तो शायद उनके लिए आज़ादी वो होगी कि वो दो वक्त का खाना अच्छे से खा लें, है ना,
कि अगर मुझे ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि मुझे शाम को खाना क्या खाना है और मैं इस थॉट से आज़ाद हूँ, तो शायद वो आज़ादी है उनके लिए। अब किसी औरत से आप पूछो जो स्कूल नहीं जा सकती है बिना घर से डांट खाए, तो उसके लिए वो आज़ादी है कि मैं अपने आसानी से अपनी तालीम मुकम्मल कर लूँ। और फिर हम जैसे लोग आते हैं जो आज़ाद होके भी अपने आप को फालतू की चीज़ों में उलझाते हैं और कहते हैं कि आज़ादी कहाँ है। तो आज़ादी तो है, लेकिन वही है कि आप उसको किस हद तक यूटिलाइज़ कर रहे हो और किस हद तक यूज़ कर रहे हो। तो पहले आपसे सुनते हैं कुछ, आपने आज़ादी पे कुछ लिखा हो अगर। मैंने जैसे आपको बताया कि आज़ादी मेरे जावी अलग होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा आखिरी में निकाल के लाऊं जो आपको अलग लगे, तो वो एक कोशिश थी। मैंने एक आप सुने, मैं इसके जरिए हाँ आप पहुंच जाएंगे कि कहाँ तक मैं लिखना चाह रहा हूँ। ये इसमें से हल्का सा जाविया मोहब्बत की तरफ भी है कि वो मेरी रूह में समाए हैं, वो मेरी रूह में समाए हैं, उनकी बाहों का घेरा मेरे लिए छाए हैं। त्यागी इच्छा त्यागा मन त्यागा सब्र मैंने, और तब मैंने अपने पिया जी कमाए हैं। उतना अच्छा अमृत नहीं होगा, उतना अच्छा अमृत नहीं होगा जितनी अच्छी उनके हाथ की चाय है। उन पलों का कोई मोल नहीं है, उन पलों का कोई मोल नहीं है जो मैंने हंसते हुए उनके संग बिताए हैं। मैं मुस्कुराते हुए जीती हूँ उनके साथ, मैं मुस्कुराते हुए जीती हूँ उनके साथ, ना जाने उनके बिन कितने आंसू बहाए हैं। और अब उनके आगमन पे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और अब उनके आगमन पे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो तिरंगे से लिपटे ताबूत में आए हैं, वो तिरंगे से लिपटे ताबूत में आए हैं, वो कुर्बान हुए उन लोगों के लिए जिनके लिए मेरे पिया जी पराए हैं, वो कुर्बान हुए उन लोगों के लिए जिनके लिए मेरे पिया जी पराए हैं। मुझे गर्व है मेरे पिया जी पे, कम से कम वो देश के काम आए, देश के काम आए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, और सैल्यूट है हर उस शख्स के लिए। फिर मैंने कहा कि हर इंसान अपना अपना काम कर रहा है, जैसे बॉर्डर पे अगर सोल्जर्स लड़ रहे हैं उनका एक कंट्रीब्यूशन है, और वो शायद ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो आपके और मेरी सोच के बाहर है। हम लिख सकते हैं, हम स्टूडियो पे बात कर सकते हैं, लेकिन जिस घर का बेटा शहीद हुआ है या जिसका शौहर वहाँ पे है, वो क्या फीलिंग होती होगी शायद हम नहीं समझ सकते। उसी तरह से कोविड में आप डॉक्टर्स का रोल देख लें, वो देवदी हिडन अनसंग सोल्जर्स ओनली, उन्होंने क्या रोल निभाया। रोज एक बॉर्डर की तरह ही होता था हॉस्पिटल जाना, घर से निकलना। सही बात है। सबका एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, और आपने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छे से बताया। मौजूदा हालात पे मैंने भी कुछ लिखा था कि हम ना अक्सर आजकल एक नया वर्ड ट्रेंड हो रहा है, व्हाट अबाउटिज्म, कि व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट। तो कल एक ऐसी वीडियो देखी मैंने, उस पर एक का कमेंट था, मतलब एक कम्युनिटी कह रही है कि तुमने उसका नहीं दिखाया, दूसरी कम्युनिटी कह रही है मैंने तुमने उसका नहीं दिखाया। तो उस पर एक कोई लड़का था, उसने लिखा था, और जिसका दिखाया वो क्या, ही यूज्ड अब्यूसिव वर्ड, तो उसका कुछ नहीं। तो आजकल यही हो गया है, गलत को गलत कहने के अलावा हम लोग एक कॉम्पिटिशन में लग गए हैं। हमें कंपटीशन नहीं है, गलत तो गलत है, चाहे फिर वो किसी भी रिलीजन का इंसान करे, किसी भी एज ग्रुप का करे। 99 लोग भी करने लग गए तब भी वो गलत रहेगा। तो उसी पे लिखा था मैंने कि वो महज पिछली कहानियां दोहराएंगे, जो बीत गया तुम्हें वो याद दिलाएंगे। तुम देख ना लो तालीम के ऐनक से आगे का रास्ता, वो तुम्हें धर्म के आईने में ये दुनिया दिखलाएंगे। अब वक्त है इतिहास के पन्नों से निकल एक नया इतिहास लिखने का, हम कब तक किसने किया क्या किया ये दोहराएंगे। क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम आते हैं आपके ऊपर कायनात, आप क्या लिख कर लाई हैं आज़ादी पे। सबसे पहले तो मैं आपकी उस बात को सबसे पहले रिलेट करूंगी जो आपने कहा कि वो फुटपाथ पे जो बच्चे, गरीब बच्चे ऐसे सोए रहते हैं और बहुत सुकून की नींद सोते हैं। बेशक हमें अपने बहुत अच्छे मैट्रेस पर भी अच्छी नींद नहीं आती है जी। तो ये बहुत बड़ी नेमत है, और तब भी वो अपने आप को आज़ाद फील करते हैं, और हम नहीं कर पाते हैं आज़ाद फील। तो हमें लगता है कि हमें कहीं ना कहीं हर बात में शुक्रगुजार होना चाहिए, हर वक्त कंप्लेनिंग नहीं होना चाहिए। तो मैंने लिखा था आज़ादी को लेकर कि आज़ादी ऐसे मुफ्त में तो मिलती नहीं है। हमारे कई महापुरुषों ने, वीरांगनाओं ने कई कुर्बानियाँ दी हैं, फिर हमें आज़ादी नसीब हुई है। बेशक बेशक। तो मिलती नहीं आज़ादी सदा आज़ाद रहकर, कैद में भी आना पड़ता कभी गुमशुदा भी रहकर। वाह। भरकर दिलों में जज्बा भूल जाते हैं डरना, ख्याल बगावत का कभी आता कभी जाता, ये आज़ादी का नायाब तोहफा कोई सौगात में नहीं लाता। क्या बात, बहुत बढ़िया। फिर ये जो इतनी प्रीशियस आज़ादी हमें मिली है, और इन जनरल क्या चीज़ें होती हैं, मैंने उस पर लिखा था कि वतन को आज़ाद रहने दो।
वतन को आज़ाद रहने दो, वतन में सुकून अमन का पैगाम रहने दो। कई कुर्बानियों के बाद मिली है आज़ादी, मुल्क को विविधताओं का देश हिंदुस्तान रहने दो। वाह वाह वाह। लोगों को अपनी कहानी अपनी ज़ुबान कहने दो, लोगों को अपनी कहानी अपनी ज़ुबान कहने दो। मज़हबों के नाम पर मत फैलाओ नफ़रतें, मज़हबों के नाम पर मत फैलाओ नफ़रतें। हर एक इंसान को इंसान रहने दो। बहुत उम्दा। और अपने वतन को आज़ाद हिंदुस्तान रहने दो। बहुत बहुत उम्दा। और कैद करके परिंदों को, पहले लोग कैद में रखते हैं, फिर आज़ाद करते हैं, फिर आज़ादी का जश्न मनाते हैं कि अरे हमने तो आज़ाद कर दिया। हाँ। तो मेरा सवाल है कि फिर कैद करना ही क्यों? करना ही क्यों है? राइट। कैद करके परिंदों को आज़ाद मत करो। हाँ। कैद करके परिंदों को आज़ाद मत करो, जो आज़ाद हैं पहले से उनको आज़ाद रहने दो। बाँट कर रंगों को मज़हबों में मत फैलाओ रंजिशें। बाँट कर रंगों को मज़हबों में मत फैलाओ रंजिशें। केसरिया और हरे रंग को तिरंगा, और तिरंगे को भारत की शान रहने दो। बहुत अच्छा। उम्दा। बहुत उम्दा। और हमारा देश जो है वो कल्चरल देश है, तो संस्कृति और समृद्धि का देश है ये, तो संस्कृति और समृद्धि का देश है आज़ाद भारत। संस्कृति और समृद्धि का देश है आज़ाद भारत। यहाँ संस्कृति का एहतराम रहने दो, मत करो कैद अपने ख्यालों में इतनी नफ़रतें। मत करो कैद अपने ख्यालों में इतनी नफ़रतें। इस मुल्क को खूबसूरत प्यारा हिंदुस्तान रहने दो। बहुत। और अगर शौक़ है कुछ बदलने का तो सोच पर ज़रा नज़र डालो। अगर शौक़ है कुछ बदलने का तो सोच पर ज़रा नज़र डालो। नज़रों में मोहब्बत के इम्कान रहने दो, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान रहने दो। इस खूबसूरती से अल्लामा इकबाल को भी आपने याद कर लिया आखिर में। और अब हम सकलैन पे आते हैं कि सकलैन आप बताइए आप क्या सुनाना चाहेंगे। जी मैम, तो आज़ादी का मेरे जहन से आज़ादी वो है जिस दिन इस देश से नफ़रतें मिट जाएंगी और लोगों में मोहब्बतें पहले जैसी आ जाएंगी। तो मोहब्बतें हमेशा से हैं, बस कुछ लोग कोशिश करते हैं नफ़रतें नहीं। क्योंकि ऐसा होता है कि अच्छे बुरे लोग तो हर कौम में हैं। हर कौम में अच्छे हैं और हर कौम में बहुत अच्छे अच्छे लोग, और बुरे भी हैं अच्छे भी हैं बेशक, लेकिन वो ये लोगों को देखने का नज़रिया। तो हमारे लिए आज़ादी वो है कि हमारे अगर बगल पड़ोस में अगर कोई नॉन मोमडन रह रहा है तो हमारी ईद की सेवैयाँ उनके घर जाएँ और उनके होली की गुजिया हमारे घर आए, तो हमारे लिए ये आज़ाद हैं हम। इसका मतलब हम करते हैं ऐसे जी। हाँ। तो उन्हीं पे कुछ ख्याल। आजकल लोगों ने मुद्दे बना लिए हैं छोटी छोटी बातों पे, रंग बांट लिए हैं कि रंग तुम्हारा है ये रंग हमारा है। इसी पे चार मिसरे थे कि आर्यन भाई सुने कि सियासत के इन मुद्दों को अब और बड़ा मत कर, नफरतों को मिटा दे और अपनों से तू लड़ा मत कर। और रंग तीनों ही अच्छे लगते हैं तिरंगे में। तो इंसानियत को भगवा और हरा मत कर। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। क्या कहना है? बहुत बढ़िया। तो वही सिमिलरली लैंग्वेजेस में भी हम लोग देखते हैं ना, कुछ कम अकल लोग कहते हैं कि ये लैंग्वेज इसकी है ये उसकी है, जबकि उर्दू अगर देखी जाए तो उर्दू हिंदुस्तान की लैंग्वेज है, रेख्ता हिंदुस्तान की लैंग्वेज है। तो अगर जब कम्युनिकेशन की बात आए, मुझे अभी कोई बता रहा था, अब फैक्ट चेक नहीं है बट मैं शेयर करूँगी कि जब कम्युनिकेट करने की बात आई थी पहले ज़माने में, तो ये एक सल्यूशन निकाला गया था इंडियन लैंग्वेज का, क्योंकि जब आपको बिजनेस करना था ट्रेड करना था तो खालिस उर्दू भी काम नहीं देती और खालिस फारसी भी काम नहीं देती, खालिस हिंदी भी, तो एक रेख्ता लैंग्वेज तभी ईजाद हुई है जो कि अपनी लैंग्वेज है जो हम दिल्ली में बोलते हैं हर जगह, जो एक कहते हैं ना खूबसूरत जैसे एक एमगमलेशन है हिंदी इंग्लिश और उर्दू का, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड दैट इज़ व्हाट वी आर चेरिशिंग। तो आप अगर देखोगे ना बहुत सारी डाइवर्सिटी है और फिर एक जगह जाके मिल रहे हैं हम लोग हर जगह, तो वही चीज़ है। मैं आप तीनों की पोइट्री में एक चीज़ नोटिस कर रही थी, आपकी पोइट्री एक लैंग्वेज में नहीं थी, आपने हिंदी और इंग्लिश बराबर, मतलब हिंदी और उर्दू बहुत ही अच्छे से बराबर मात्रा में इस्तेमाल करिए। मैं यूज़ बोलना चाह रही थी तो मेरे एक सेंटेंस में तीन लैंग्वेज हो जाती। तो दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन यू नो इंस्टिल्ड इन आर वेन्स। वी डोंट रियलाइज कि हम कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। जो अभी हमारी जनरेशन है तो हम शायद खाली इंग्लिश नहीं बोल सकते, खाली हिंदी नहीं बोल सकते, खाली उर्दू नहीं बोल सकते।
तो मुझे लग रहा है अभी रेख्ता हिंदी उर्दू था, थोड़े टाइम में उसमें इंग्लिश भी आ जाएगा, जिस हिसाब से हमारी जेन जी जनरेशन बढ़ रही है आगे, जेन जीज हैं, आप दोनों भी शायद जेन जी ही होंगे, मैं तो मिलेनियल हूँ, आप भी मिलेनियल हैं, चलिए अच्छी बात है, मिलेनियल्स थोड़े सेंसिबल होते हैं ऐसा ये लोग कह रहे थे, मैं नहीं कह रही थी, मैं ज़्यादा वो हो गया। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आपको सुन के, और ऐसे ही बहुत अच्छा लिखते रहें आप लोग, और बाकी एंड में अगर आप कुछ अपना सुनाना चाहते हो, किसी का कलाम सुनाना चाहते हो जो आपको पसंदीदा है, आप सुनाकर। मैं अपना एक कलाम और पढ़ता हूँ जी, जो मैंने ये इसी इस पे आज़ादी जो आ रही है और फिलहाल जो हालात चल रहे हैं देश के, उस पे कुछ कोशिश की थी कि अपनों के बीच कुछ ऐसे फसाद होंगे, वाह, अपनों के बीच ही कुछ ऐसे फसाद होंगे, हम सब देखना कुछ इस तरह बर्बाद होंगे, जो आज़ादी के लिए लड़े उन्हें नहीं मालूम था। अच्छा। ऐसा है ना कि आज़ाद तो हम हो गए, पर अब अपने देश के अंदर ही ऐसी चीज़ें हैं कि हम मणिपुर को नहीं अपनाते, कहते कि मणिपुर अपना नहीं है, कश्मीर को लेकर आज तक चीज़ें हैं, और ऐसी कई चीज़ें हैं कि जो आज़ादी के लिए लड़े उन्हें नहीं मालूम था कि देश में गुलामी के नए तरीके ईजाद होंगे, कि देश में गुलामी के नए तरीके ईजाद होंगे। आज हिंदी बोलते ही बोलते अंग्रेजी आ जाती है मुंह पर, अभी सारी का मैं रिलेट करेंगे इस चीज़ से कि आज हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी आ जाती है मुंह पर, बोलने को तो बोल लिए, असल में कब आज़ाद होंगे, बोलने को तो बोल लिए और असल में कब आज़ाद होंगे। और अगले दो लाइनों में सच्चाई है कि अगर देशभक्ति का जिक्र करो तो किसी को कुछ मालूम नहीं, ये किसी को मैं तंज नहीं कस रहा हूँ, बस एक बात है जो आप सब मानेंगे कि अगर देशभक्ति का जिक्र करो तो किसी को कुछ मालूम नहीं, अगर देशभक्ति का जिक्र करो तो किसी को कुछ मालूम नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दो चार नाम याद होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये हकीकत है, मैं भी वो बस एक मुझे बहुत प्यारी नज़्म लगती है, मैं निकाल लेती फ़ोन यूज़ करने के लिए मास्टर, तो वही एक जैसे अभी आपकी पूरी एक समअप करूँ मैं, तो वही है कि लिपटता हूँ माँ से तो मासी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ तो मना हिंदी मुस्कुराती है, हाँ ये किसी का है, मुझ में नाम, मैं हमेशा क्रेडिट देना चाहती हूँ राइटर को, वो मैं ढूंढ नहीं पाई, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सोशल इशू हो गया है आजकल कि लोग एक दो लफ्ज़ बदल के राइटिंग निकाल देते हैं और कहते हैं कि इंस्पायर्ड है, भाई वो इंस्पायर्ड नहीं है, वो कॉपीड है, और आप उसमें पूरा क्रेडिट दें तो अच्छा लगेगा जी। तो ये अभी निकल के आई है किसी की तो बहुत अच्छी लग रही है कि एक नया रिश्ता बनाना है, हमने ईद पर सिवैयें हैं खाई, तुम्हें भी दीप जलाना है, मैं हिंदी माँ की बेटी हूँ, मैं उर्दू मौसी एक समान, तुम मेरा गीता पढ़ लेना, मैं तुम्हारी कुरान, हर दरगाह पर चादर चढ़ा देंगे, तुम मंदिर में चुनरी चढ़ा देना, जात पात का भेद मिटाकर एक नया इतिहास बना देना। तो इसी पे मैंने भी कुछ लिखा था कि यहाँ अक्सर आपने देखा होगा, आपने देखा ना रंग डिवाइड कर देते हैं, तो मैं थोड़ा इसे फनी वे में ही लीजिएगा, मैं भगवा कलर पहने थी और मैं बिंदी लगाई थी, तो मैंने कहा मैं दो कम्युनिटीज़ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक कम्युनिटी कहती है कि बिंदी नहीं लगानी चाहिए और एक कहती है कि भाई भगवा कलर हमारा है, तो उस पर मैंने लिखा था कि यहाँ माथे पर बिंदी, दिल में कुरान होता है पसीने से सींचे हुए खेत सारे, और मेहमानों के सर पर ताज होता है, आजान अरदास भजन और कैरल्स से दिन का आगाज़ होता है, अगर तो जनगण मन पर सबका एक ही साज होता है, भाई क्या कहने, ये जन्नत का मंजर नहीं दोस्तों, हिंदुस्तान का तो हर दिन ऐसे ही खास होता है, क्या तो ये शायद ब्यूटी है हमारे कि हम शायद इसलिए स्ट्रांग भी हैं, हम लोग बहुत टॉलरेंट हैं, हम इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते, जैसे फॉरेनर्स आते हैं हमारी कंट्री को देख के एक्साइटेड होते हैं, तो वी आर नॉट दैट एक्साइटेड बिकॉज वी हैव सीन ऑल, अब टेक्नोलॉजिकली हाँ अगर देखा जाए तो और लोग हमसे ज़्यादा ग्रोन हैं, तो हम वो चीज़ें देख के ज़्यादा एक्साइट होते हैं, बट कल्चरल वे में हम लोग बहुत ज़्यादा एक ठहराव है क्योंकि अपने कल्चर से, क्योंकि अगर आप जैसे आप कहाँ से बता रहे थे आप हो, मैं बिहार से हैं, मैं यूपी से हूँ, तो हम लोग वहाँ से इतना बड़ा चेंज देख चुके हैं दिल्ली आके, तो हमें लगता नहीं है कि हम विदेश जाके कुछ और देखेंगे, खुद भी यूपी से हूँ और यहाँ पे आके देखता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं दिखता जो एक अलग ही उसमें दिखे, पर जैसे दिल्ली काफी अलग चीजें दिखाती है और वहाँ से कुल मिला के लगता है कि यहाँ सब कुछ देखा हुआ, सब अपना घर है ना, मतलब भाई अपना है। अब आप फूड चॉइसेस की बात करें तो विद इन 100 किलोमीटर्स इन इंडिया वी सी डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट फूड, बट अल्टीमेटली फिर वही है कि वही चीज ब्यूटीफुल है, आपको कितने कुजींस ट्राई करने को मिल जाते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे फिर भी सुशी खा रहे हैं तो ये गलत हो रहा है चलिए जोक्स अपार्ट, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा,
और कायनात आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगी? मैं कहना ये चाहूँगी, मैं अलामा इकबाल का कोई गज़ल सुनाना चाहूँगी। हाँ तो सुनाइए अगर। और वो है परिंदे की फरियाद। अरे वाह। कि आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सबका चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। वाह। लगती है चोट दिल पे, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं उसकी मेरी कफस में, होती मेरी रिहाई ऐ काश मेरे बस में। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, डर है यही कफस में मैं गम से ना मर जाऊँ। जब से चमन छुटा है यह हाल हो गया है, जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। वाह क्या बात, क्या बात है। गाना इसे समझ के खुश न हो न सुनने वालों, गाना इसे समझ के खुश न हो न सुनने वालों, दुखते हुए दिलों की फरियाद ये सदा है, आजाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेजुबान हूँ कैदी तू छोड़ कर जुआले। बहुत उमदा। और जिन लोगों को नहीं मालूम है कफस पिंजरे को कहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, आपने सुना होगा नुसरत साहब की जो कव्वाली है, कफस की तीलियां रंगीन क्यों हैं। हाँ जी, नहीं सुना? ये नए दौर के बच्चे ये नुसरत साहब तक अभी लोफी वर्जन में जब आ जाएगा तब सुनेंगे। चलें, खैर आप सबको से मिलके बहुत अच्छा लगा, और पोइट्री ने फिर इस जश्न को और ज़्यादा उम्दा कर दिया, और हम वही हैं अल्टीमेटली, हम सबकी गुफ्तगू से आपको भी पता चला होगा आज़ादी यहाँ से है और यहाँ से नहीं। तो अगर हम अपने ख्यालों से आज़ाद हैं तो मोहब्बत से सारे मसले का हल हो सकते हैं। तो आप सुन रहे थे आर्यांश, कायनात और सकलैन को शारिका मलिक के साथ। अगले एपिसोड में फिर नए गेस्ट के साथ मुलाकात होती है। शुक्रिया।